रुपया था खुली दवाई का। ये खर्चे की तो कोई बात ही नहीं, नहीं खर्चे तो बहुत बात है, पर हम तो ये सोचते हैं मैं कहीं कोई ना कोई मेरे से कोई गड़बड़ ना हुई होगी वो नहीं वाली। 4 क्विंटल बहुत है बहुत है आप, 4 क्विंटल निकल जाता हो दिक्कत ही नहीं है, 4 क्विंटल थोड़ी की लगाई, 400 क्विंटल निकले तो सही है। अभी तो हम पहुँचे 140 पे ही है सारा, अभी तो 3 कमरे बाकी हैं, चलने ही बाकी है। 20 दिसंबर को डला था ये कमरा, अब आ रहा है ये 5 अक्टूबर को, 8 अक्टूबर को डला सबसे पहला कमरा। बार बार अथो सप्लाई हुई ना सर, बाल तो हो ही जाता फिर सामने थे जी ने अपने तरह इतने से हनुमानगढ़ देख गए कई दिन तक 20 किलो माल साढ़ा आता हनुमानगढ़ अब वो बात ये है ना एक कि सौ जो बीस छोटे रुपये फार्म के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यही आती है भी, एक दिन तो बहुत ज़्यादा हो गया और अगले दिन कुछ भी नहीं हुआ तो मार्केट नहीं तैयार होती। 120 रुपये किलो में आप इतने देख दे रहे शुरुआत अभी में होगी बात है, है? शुरुआत में होगी, हाँ बंद नवंबर होने की तो बात पर होगी, नवंबर में बात नंबर होगी, नहीं आ अभी नवंबर दिसंबर 15 दिन पहले, जनवरी आज से 15 दिन पहले, मेरे हिसाब से 25 दिन पहले। 15 दिन पहले देकर के हमारा 120 रुपये माल बिकता रहा है हमारा, हमने 6 दिन माल दिया था यहाँ पे, एक भाई क्विंटल 20 किलो माल दिया था यहाँ, 20 को जो देते थे मेरे हिसाब से है वो ये 31 जनवरी तक का जो रेट था ना वो 110-120 इस बार रहा है। रहा ठीक रहा आपकी बात इस तो। बार कारण ये था भी कम फार्म थे, कम फर्म थे कम फार्म थे। गोदू वाले मैं 150 रुपये देता हूँ आप, ठीक है 30 रुपये पैकेट भेजता हूँ आप खुद, 50 रुपये के दो क्या, 30 रुपये पाँच के सात दस किलो तो पार पड़ जाएंगे। पड़ अब जाती है हमारी कल था 2.5 क्विंटल था, हाँ अब 8-2.5-3 क्विंटल के आसपास है, आसपास कहाँ है, पार पड़ेगी। कहाँ पार पड़ेगी, अच्छा एक दुकानदार से भी नहीं पार पड़ती, नहीं एक पड़ आड़ती से नहीं पार नहीं पड़ती। पड़ ये तो मोटा आपका दृष्टि मोटा है। अच्छा फिर रोज का कोई सिर पैर नहीं है, तो किसी दिन ज्यादा है किसी दिन कम कम है, है तो 10 घर बांध के रखो तो 10-10 किलो भी डेली दो तो भी मर गए। मर गए और जैसे अब एक कमरे का हो तो 20 किलो हो तो किसको दे के आओ, और वो हमें 100 हो जाए तो क्या कर लोगे, कहाँ भागोगे, सही है 5 किलो हो जाए तो कहाँ भागोगे, कहाँ भागोगे। रोज की मार्केट बनती नहीं, तैयार नहीं होती, समस्या तो रोज यही है के ना, कमरे खुम्बी में सबसे बड़ी समस्या यही है समस्या मार्केट कि पूरी नहीं कमरे है। कम से कम 20-30 हो तो पार पड़े। अब हम मरे से मरे कंडीशन में ये लगा लो भाई 10 कमरों में 24 किलो पे आ गए थे ठीक है, दिसंबर में जब ठंड पूरी थी पूरी थी, तो दिसंबर में अगर हम 24 किलो पे आ गए तो 24 किलो को हम बांटे कितने में, सही है क्या तैयार करें, किसको हाथ जोड़े, किसको कहें नहीं सर नहीं सही सही बेचेंगे। सही। ये वैसे आपने लोहे का सारा सिस्टम तैयार कर रखा है, इसमें हमने तो बांसों का कर रखा है, बांसों का ये है भी हमारे साथ पिछली बार हो गया था, अभी एक रैक टूट गया था, अच्छा हमने तो कमरे भी अब की बार जी आई पाइप दिया सारे, सारे पाइप सारे पाइप होके तैयार किए, पक्के हैं वो देखो, वो सारे पक्के हैं कमरे हमारे जी आई के, हमने सिर्फ रैक के बीच में बांस लगाया हुआ है, कमरों में भी कोई असर नहीं, कमरे सारे के सारे चारों कमरे का वो जी आई पाइप तैयार। नहीं मेरे तो बसों का ही है सारा सिस्टम, बस हमारा कटे हुए पिछली हैं बार एक रैक गिर गया था, आप माल था और गए रैक गिर गया तो नुकसान सब हो बताया, फिर बारिश आ जाती है, बारिश के अंदर कुछ नहीं है कुछ नहीं। कभी वो पानी उसमें झूल रहा है कुछ भी कर रहा है तो फिर अपना मन नहीं माना। हाँ फिर आपको छप्पर हर के चीज था ना, बदल तो दिया, बाहर मैं तो वहाँ पहली बार मैं बीज लेकर आया था वहाँ से वादरा छाने गांधी बड़ी से, उसने बसों का बनाया हुआ था उसका सिस्टम देकर आया था वहाँ से देखा। नहीं सस्ते में तो देखो बांस ही पड़ता है, इससे सस्ता कुछ भी नहीं पड़ता, सस्ता तो बांस ही सस्ता पड़ता तो है, बांस पड़ता है। पर अब बांस सस्ता ये क्या पड़ता है, 10-15 हज़ार का बांस आ जाता है, बांस पे पैसा बहुत लगता है। अब तो अब ये कमरा हमें पाइप पाइप 1 लाख रुपये के पड़ेगा, ठीक है ये कमरा हमें 2.5 लाख से ऊपर पड़े हुए, 3-3 लाख से ऊपर पड़े हुए, ठीक है और उसके अंदर का अलग है। अभी ये 15 इंची की दीवार है, सारी दीवारें लगभग 15-15 इंची की है, ठीक है पूरा पूरा 1.5-1.5 की दीवार है, 2 लाख ईंट लगी हुई, 2 लाख ईंट लगी हुई, तो 2 लाख ईंट का मतलब 8 लाख रुपए तो सीधे सीधे ईंट के लग गए, हो गए। और ऊपर 2 लाख रुपए लेबर लग गई, 2 लाख रुपए से सामान लग गया, पता ये पढ़ते गए माल आ जाए। आप एक ही है जिसका नहीं आया ना, उसकी आवाज़ नहीं है, पिछली बार मैं 10 लाख दे के निकला हूँ, 150 क्विंटल पे रहेगा, अच्छा खर्चे लगे 20 लाख रुपए, 1000 क्विंटल के बीच 2 लाख रुपए कमरे का खर्चा पड़ा, लेबर लेबर 9 लाख रुपए पड़ गए, दो भी नहीं चाहिए, एक चाहिए ठीक है, और 250 किलो है तो 10 चाहिए, अब बोलो क्या बनाओ जोड़, और रात को सपने में तो आता नहीं सुबह इतने आदमी चाहिए। हमारे तो हमारे ये है हमारे पास 7-5 वाले यहाँ पे है, 4 ड्राइवर है, 2 मुंशी है, 15-20 लेबर वहाँ की हॉस्पिटल की है, तो कुल मिला की है भी रात बिरात फंस जाती है तो निकालते हैं निकालते हैं, वरना लेबर के भरोसे यहाँ नरमे की चुकाई होती है, यहाँ माल डालना होता है।
लेबर नहीं मिलती, 400 रुपये में नहीं मिलती, नहीं मिलती, नहीं मिलती, नहीं मिलती। ये तो बात आपकी सही है, किस बात में सर दो, और हम तो आप ही सारा करवाना आप ही करते हैं, आपने करना है तो आप पूछा जाता है, सारी चीजें पुसाती है, पुसाती है तो ही पुसाती है, तो ही पुसाती है। आपकी बात सही है, की बात करें तो गेहूं भी उसको पुसा जाता है जिसकी खुद की है, खुद की है, क्या खर्चा है, जोर लगा लो तो नहीं खर्चा, नहीं खर्चा, सही बात आपकी। झूठ क्यों बोले, हम करते हैं 250 बीघे की वही करते हैं। अभी अगर डीजल से या ये मान लो भी बिजली से अपने को पानी देना हो कोई खर्चा है? कोई खर्चा नहीं है, सौर ऊर्जा से देना तो बिल्कुल ही नहीं है, सौर ऊर्जा से की बात ही नहीं, सौर ऊर्जा क्यों, बिजली के मीटर के 3,000 रुपये 2 महीने का मीटर आता है, मीटर आता है, क्या आता है बिजली का खर्चा, कुछ सही। नहीं आता, और गेहूँ के अंदर क्या पड़ती है मेरे हिसाब से 1500 रुपये क्या तो रहेगी, 12 महीने रखते हो आप? नहीं 12 महीने के हिसाब से लगा रखे हमने एसी वैसे, बट कनेक्शन नहीं लिया अभी, कनेक्शन नहीं लिया, कनेक्शन नहीं लिया, कनेक्शन तो ये अभी 10 लाख का पड़ेगा, अच्छा, और हर महीने वो 10,000 का बिल बिना बात ना चलाए तो भी पड़ेगा, बिल तो पड़ेगा, बिल तो पड़ेगा, सही है। पहले ये था कि पहले 40% तक पहुँचे, आप कह रहे हो 40% निकल गए, हम कह रहे हैं 40% तक हम पहुँचे फिर बात करें आगे। वाह जी वाह, धन्यवाद यात्रा, हम तो खरीदा मन अभी आपका माल फ्री पे जाता है, हम तो फिर आपसे बहुत माल की दिया हमारे पे, तो हमारा तो देख रहे थे पहले, असल में क्या होता है एक कमरा हो ना काम निकल जाता है, ठीक है। अब हम ये मानते हैं पहले कमरे में हो सकता है 30% क्रॉस कर गया, कर गया होगा, अभी भी दे रहा होगा, दे रहा होगा, बट एवरेज निकालेंगे तो 10 कमरा तो चला ही, अब चले हुए 4 दिन हुआ तो क्या गिनती करें, जोड़ बनाएंगे तो जोड़ तो क्विंटलों में गिनती आएगा, जोड़ तो क्विंटलों में आएगी। चलो ठीक है भाई साहब, मैं तो नंदियाल नहीं लगा रखा है, गोदवाले के पास पिछली बार गोदवा लगा हुआ था, अब उसके बाद नहीं लगाया उन्होंने, मैंने तो नहीं, अब की बार बहुत लोगों ने छोड़ा, छोटा तो पर लगा रखे थे 30 फुट लंबो है, 12 फीट चौड़ो है, और कमरे में रैंक कितनी लगाई है? 4 2 2 4 4 मतलब जी स्टेप 4 स्टेप लगा रखे है, तो 4 स्टेप में मतलब 40% लेगा, जहाँ मान के चलो भी भाई साहब के अनुसार तो तेरा जा भोजो, भाई साहब के साथ तो भी हाँ चार क्विंटल ले लिया, और लगायो के टाइम उठे लाया सी असि आप 11वीं दिला ना 11 लगते 12 लगते पहले चल पैसे कम अपने लिखी पी नहीं नॉर्मली मतलब 12 महीने में पटाई 11 महीने में चालू की थी, 11वें में नहीं की होगी, 10वें में की होगी, 10वें में तो ये पूरा 28 दिन तो हमने तोरी पूरी पलटी, वही 28-30 दिन तो बारी पलटी, 28 दिन तो बार पलटी, उसके बाद 35 दिन अंदर लगेंगे, उस दिन बीज लगाने के बाद 12 दिन मान के चलते 20 दिन लगते उस दिन, 20 दिन तक चल पड़ेगा माल, 20 दिन बाद माल नहीं होता, 20 दिन बाद हमने 20 दिन 18 दिन बाद क्रेशिंग की थी हमने, 18 दिन के बाद क्रेशिंग की, 14 दिन बाद माल निकला, उसके बाद माल चला 18 और 14 आ गए, 32 दिन आ गए, 32 दिन आ गए, 34 दिन पे आएगा माल, माल तो उससे पहले नहीं आएगा, 34 और 30 बार के मानते हैं तो हम 70 मान के चलते हैं, 70 दिन पे 75 दिन है, 190 दिन पे निकला, ठंड ज्यादा थी, 20 किलो की हमारे एक दिन 20 किलो हुई थी, 18 किलो और 17 किलो रोज की हमारी उतरती थी, एक दिन छोड़कर ना 18 किलो 17 किलो डेली पर डे माल उतरा, ठीक है की बार हमारी नहीं नहीं ठीक है, पिछली बार तो उतरा था 3 क्विंटल, पिछली बार हमने इतना माल लगाया था, पिछली बार हमने 15 क्विंटल तूड़ी काली थी, अब की बार 10 क्विंटल तूड़ी काली है, तो बस कह तो रहा हूँ भाई, अब आप खुद के मुंह से मान रहे हो पिछली बार 15 डाली और उसमें निकला, नहीं निकला नहीं, वो हमारे तो सामान मकान नहीं था लगाने के लिए, तो सामान उतने था लगाने के लिए, तूड़ी हमने 15 क्विंटल बना ली थी, तो सामान उतने था फिर वो लगी नहीं, 15 क्विंटल खराब होगी, ये कारण इसमें मुर्गी खाद कितने परसेंट डाली थी? 7% गल दी, 7% 60% 7 से 7,000 7 क्विंटल भाई 70 किलो भाई थी, 70 किलो 10 क्विंटल 7 किलो क्विंटल दी, ये आप उसके चोकर की बता रहे हो? चोकर तो दिया था 1 क्विंटल 10 क्विंटल 10% तो मुर्गी खाद तो ज़्यादा डालोगे, कम नहीं डाले, 7 क्विंटल 7 किलो डाली थी यार, वो बच्चे के पास सारा को बनाया हुआ फोन के ऊपर मेरे पास, मैं तो सीधा खाना आपने किस में ट्राली में लाए हो? क्या ट्राली में लाए हो? 70 किलो 2 गट्टे तो नहीं डाले इसके? मुर्गी खाद, मुर्गी खाद तो ट्राली पे लेकर आए थे गाड़ी पे, ओमियाड़ से लेकर आए थे, 2 गट्टे से तो ज़्यादा नहीं, नहीं वो गाड़ी भर कर ले थे वैसे तो खाद की, तो बाल्टी बनकर रेडी थी,
मुर्गी खाई ज़्यादा गलती है, 50% तक गलती है, 40% चलिए। अच्छी नहीं लग रहा, दे दो सर नंबर।